Assalamu alaikum dear students, welcome to NEET finishing test series 2023. This is Umar sir, faculty physics, SKY, Srinagar. In today's lecture we will be discussing the problems of Newton's laws of motion followed by circular motion. And one more thing, while addressing the questions we will be covering all the topics and related concepts. So let us start. पहला क्वेश्चन जो दिया है, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज गिवन बाय वाई इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज. तो ये वाला क्वेश्चन जो है इट इज फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. एज वी नो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें कहता है फोर्स होता है बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, राइट. एंड फॉर कॉन्स्टेंट मास सिस्टम फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. तो यहां पे सिंपली हमने क्या करना है, हमने एक्सेलरेशन निकालनी है तो हमें पार्टिकल पे फोर्स मिलेगा, राइट. तो एक्सेलरेशन कैसे मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन दी हुई है, हमने इसको दो बार डिफरेंशिएशन करना है, एक्सेलरेशन आएगी, पुट करेंगे वैल्यू, गेट द आंसर. सो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू यू प्लस हाफ ऑफ जी इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू टी हो गया, ठीक है. तो फिर से और एक बार डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे हमें एक्सेलरेशन मिलेगी. सो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू जीरो प्लस जी टी का एक्सेलरेशन जी हो गया, यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू हमें जी आया, यानी कॉन्स्टेंट. नाउ सिंपली नाउ हाउ टू फाइंड द फोर्स, फोर्स होता मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स आएगा एम जी के बराबर. तो अगर हम ऑप्शन की ओर ध्यान डालेंगे पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट है, राइट. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए बुलेट ऑफ 40 ग्राम, बुलेट इसका मास दिया गया 40 ग्राम, मूविंग विद स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकंड एंटर्स ए हेवी वुडन ब्लॉक एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर. एक बुलेट एक ब्लॉक के अंदर जा रही है और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, 60 सेंटीमीटर ट्रेवल करने के बाद यह बुलेट और रुक जाती है. तो हमने निकालना, वी हैव टू फाइंड एवरेज रेजिस्टिव फोर्स बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट. ब्लॉक की वजह से बुलेट पे जो रेजिस्टिव फोर्स लगेगा वो हमने निकालना है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज फाइनल वेलोसिटी बुलेट की आएगी जीरो, बिकॉज फाइनली बुलेट जो है यह स्टॉप हो जाएगी. अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक बुलेट की हमें दी गई है, दैट इज 90 मीटर पर सेकंड, राइट. स्टॉपिंग डिस्टेंस दी गई है, दैट इज 60 सेंटीमीटर. हमने निकालना है फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स हमने निकालना है. तो अगर मैं एक्सेलरेशन पहले निकाल सकूं, एज पर द इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एस, बुलेट फाइनली स्टॉप हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी इज टेकन टू बी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की 90, बट इसका स्क्वायर लेंगे, दैट इज 2 इंटू ए इंटू, एंड नो वट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस इज 60 सेंटीमीटर एंड इट हैज टू बी कन्वर्टेड इंटू मीटर्स डिवाइड बाई 100. सो 60 बाई 100, राइट. तो एक्सेलरेशन का वैल्यू यहां पर हमें मिलेगा 90 इंटू 100 divided by 2 into 60. So this is the value of acceleration of the bullet, right. अब हमने करना है कि हमने force निकालना है, simply force होता बराबर mass into acceleration. So mass of bullet is given as 40 gram, it has to be converted into kilograms. So 40 by 1000 multiplied by acceleration, and that is simply 90 into 100 डिवाइड बाई 2 इंटू 60. और जब आप ये कैलकुलेट करेंगे ये फोर्स का वैल्यू, ये ऑनपुट ये वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर जो निकल आएगा 270 न्यूटन के बराबर आएगा, राइट. सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा जो बनेगा, ये वाला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे ये न्यूटन्स लॉज पर ही बेस्ड है. फिलहाल हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं न्यूटन्स लॉज, फिलहाल सेकंड लॉ मैंने इंट्रोड्यूस आपको किया था, फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डीपी बाई डीटी, एंड फॉर कॉन्स्टेंट मास सिस्टम फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट. अब ये वाला सीन अगर हम देखेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हमें कहता है एक ऑब्जेक्ट, अगर एक सिस्टम या कोई ऑब्जेक्ट मान लो रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, तो इस पर नेट फोर्स होता है जीरो, हर डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस होते हैं, ठीक है. अगर एक ऑब्जेक्ट फर्स्ट लॉ हमें कहता है अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो ये रेस्ट में ही रहेगा, या अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो ये यूनिफॉर्म ही रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एग्जर्ट ना हो, यानी अगर नेट फोर्स ऑब्जेक्ट पे जीरो है तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा. अब क्वेश्चन की ओर हम आते हैं, क्वेश्चन हमें बता रहा है कि अब आपके पास एक सिस्टम है, हमने यहां पर इस पॉइंट पर 50 न्यूटन का फोर्स लगा के रखा है, ये वाला ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है वी हैव टू फाइंड द एंगल मेड बाय द रोप विद द वर्टिकल एट इक्विलिब्रियम. ये रोप वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगी, ये एंगल हमने थीटा निकालना है.
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहां से कौन सा फोर्स लगेगा, ये वेट लगेगा 5g यानी 50 न्यूटन फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, यहां से भी 50 है। इस रोप में यहां से टेंशन लगेगा, टेंशन के दो कंपोनेंट्स दोस्तों आएंगे, अगर ये थीटा है ये भी थीटा आएगा, ये टेंशन का कॉस कंपोनेंट होगा टी कॉस थीटा, राइट और इसी तरह से ये टेंशन का साइन कंपोनेंट होगा टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा विल बी बैलेंसिंग द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड टी साइन थीटा विल बी बैलेंसिंग द अप्लाइड फोर्स दैट इज 50 न्यूटन। तो यहां पे अगर हम देखेंगे टी साइन थीटा जो हमारा आएगा दैट इज सिंपली 50 एंड व्हाट इज टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा भी फॉर्चुनेटली 50 ही है, राइट सो इनको अगर हम डिवाइड करेंगे टी टी कैंसिल होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज टेन थीटा 50/51 आएगा, सो टेन 45/1 होगा, यानी एंगल जो बनेगा 45 डिग्री का बनेगा, दैट इज दिस एंगल, राइट। तो फिलहाल अभी तक हमने न्यूटन के दो लॉज टच किए एज पर दीज क्वेश्चंस। चलिए तो यहां पे और एक क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है, स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड गश आउट ऑफ ए ट्यूब, हमारे पास एक ट्यूब है दोस्तों, वे हैव ए ट्यूब, इस ट्यूब से पानी बाहर निकल रहा है, इस ट्यूब से पानी बाहर निकल रहा है और यह पानी जो है यह दीवार को टकरा रहा है यहां पर ऐसे, ठीक। इस पानी की रफ्तार दी गई है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एरिया दिया गया है 10^-2 मीटर स्क्वायर, इस ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हमें बताया गया है। तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन बताया रहा है कि एज्यूमिंग दैट इट डज नॉट रिबाउंड फ्रॉम द वॉल, जो पानी टकरा रहा है वॉल को वो पानी वापस नहीं आ रहा, यानी पानी का फाइनल मोमेंटम जो है दैट इज जीरो, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है बताइए फोर्स कितना एग्जर्ट होगा वॉल पे। सो न्यूटन सेकंड लॉ यहां पे भी यूज होगा, फोर्स होता बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाई डेल्टा टी इज द टाइम, मान लीजिए ये इसके बहुत करीब है, डेल्टा टी टाइम है, टाइम ऑफ इंपैक्ट यहां पे, ठीक। सो ट्यूब हमने इस वॉल के बहुत करीब लिया हुआ है, सो फाइनली पानी रुक जाता है, फाइनल मोमेंटम पानी का जीरो होगा, इनिशियल मोमेंटम ऑब्वियसली वी कैन राइट इट इज मास इनटू वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, सपोज वो डेल्टा टी टाइम, राइट। सो फोर्स जो आपका बनेगा दैट इज नेगेटिव साइन, फिलहाल अब लेंगे नहीं, मास मास जो है मास को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड डेंसिटी, सो क्या है सिंपली राइट इट इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू वी डिवाइड बाय डेल्टा टी, बट मेक श्योर ये वाला वी वॉल्यूम है, ये वेलोसिटी है, सो ये ध्यान में रखें। अब वॉल्यूम जो हमारा होगा, वॉल्यूम होगा यहां से कितना पानी बाहर निकल रहा है टाइम डेल्टा टी में, उस पानी का वॉल्यूम, वॉल्यूम जो आपका आएगा वो होगा एरिया इंटू डिस्टेंस के बराबर, सो वॉल्यूम के बदले हम लिखेंगे एरिया इंटू यहां से यहां तक की डिस्टेंस, अगर पानी की वेलोसिटी वी है सो डिस्टेंस होगा वेलोसिटी इंटू टाइम, सो वी कैन सिंपली राइट एरिया इंटू, सो वॉल्यूम होता है एरिया इंटू, वॉल्यूम के बदले हम लिखते हैं एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू व्हाट इज द डिस्टेंस वेलोसिटी इंटू टाइम वी डेल्टा टी, राइट। और ये रो अपना ऐसे ही है, अब की बार ये वेलोसिटी, अब की बार ये वेलोसिटी है बिकॉज मैंने वॉल्यूम के बदले लिखा एरिया इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस इज वी डेल्टा टी, वी इज वेलोसिटी नाउ हियर, डिवाइड बाय आएगा आपका डेल्टा टी, डेल्टा टी डेल्टा विल कैंसिल आउट, सो फोर्स जो वॉल पे लगेगा दैट विल बी रो ए वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप जनरलाइज कर सकते हैं, ये डायरेक्टली याद रखो, अगर पानी बाहर आ रहा किसी ट्यूब से किसी दीवार को टकरा रहा है तो फोर्स जो दीवार पे लगेगा दैट इज सिंपली रो ए वी स्क्वायर के बराबर, राइट। अब अगर क्वेश्चन होता कि पानी टकराने के बाद उसी वेलोसिटी से वापस आ रहा है तो चेंज इन मोमेंटम डबल हो जाता, तो यहां पे ट्वाइस आ जाएगा, ट्वाइस आ जाएगा, फिलहाल यही सीन में पानी टकरा नहीं रहा तो फोर्स जो आपका बनेगा दैट इज डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी 10^3 यानी 1000 होती है, मल्टीप्लाइड बाय एरिया, एरिया बताया गया 10^-2 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा 10^1 इंटू 15 स्क्वायर इज 225 यानी आएगा 2250 न्यूटन। जरा ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं, ऑप्शंस में 10^ टर्म में है तो अगर हम इसको 10^3 में कन्वर्ट करेंगे दिस कम्स इक्वल टू 2.250 इंटू 10^3 यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सेकेंड इसका मैच कर रहा है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, देखिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी है, न्यूटन सेकंड लॉ को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं,
न्यूटन सेकंड लॉ हमें बताता है फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. पहले पहले क्वेश्चन को समझेंगे. अ बैट्समैन हिट्स ए बॉल ऑफ मास दिस स्ट्रेट इन अ डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड. एक बॉल आ रही है बैट की और वो टकराती है बॉल के साथ बैट के साथ, बॉल वापस उसी डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी से वापस आती है. तो हमने निकालना है, हमें इंपल्स निकालना है. तो न्यूटन सेकंड लॉ थोड़ा मॉडिफाई होता है. मैं यहां पर यह बात समझाऊं, फोर्स चूंकि बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, फोर्स होता है बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. सो कैन आई सिंपली राइट चेंज इन मोमेंटम आपका डीपी बनेगा एफ डी टी. फोर्स इनटू टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट को हम इंपल्स कहते हैं. तो यहां पर अगर हम डायरेक्टली इंटीग्रेट भी करेंगे, इंटीग्रेशन हम करेंगे, तो इंटीग्रल ऑफ डीपी देगा टोटल चेंज इन मोमेंटम. सो कैन आई सिंपली राइट इट इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल और फोर्स इनटू टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट को हम इंपल्स कहते हैं. इस चीज को हम इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी कहते हैं. इंपल्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स लीनियर मोमेंटम. सो ये चीज कभी भूलेंगे नहीं. तो पता चला अगर फोर्स निकालना हो चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम कर लो, और अगर आपको इंपल्स निकालना हो तो सिर्फ चेंज इन मोमेंटम कर लो. तो ये वाले केस में हमें क्या निकालना, इंपल्स. सो आई हैव टू फाइंड चेंज इन मोमेंटम. तो और एक कॉन्सेप्ट हमने यहां पर सीखा, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या है, राइट. सो डायरेक्टली अब हम यहां देखेंगे. अब चूंकि हमें इंपल्स निकालना है यानी चेंज इन मोमेंटम निकालना है, हमारे पास ये बैट है और बॉल आ रही है. बॉल का मास दिया गया 0.15 केजी, बॉल की वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकंड, और ये बॉल टकरा के वापस आती है इसी रफ्तार से 12 मीटर पर सेकंड से ही ये बॉल वापस आती है. तो हमने क्या करना है, हमने निकालना इंपल्स. क्योंकि इंपल्स होगा बराबर चेंज इन मोमेंटम यानी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल. पी फाइनल अगर हम ये डायरेक्शन में मोमेंटम पॉजिटिव लेंगे यानी मास इंटू वेलोसिटी, माइनस ये डायरेक्शन में नेगेटिव मोमेंटम अगर हम लेंगे तो आएगा माइनस मास इंटू वेलोसिटी. आई रिपीट, अगर ये डायरेक्शन में मोमेंटम पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन में मोमेंटम नेगेटिव है. ये वाला मोमेंटम हमने पॉजिटिव लिया तो एम वी, माइनस ये वाला मोमेंटम नेगेटिव लिया यानी माइनस एम वी के बराबर. तो यहां पे ये जो बन जाएगा, क्योंकि मास तो सेम है इस बॉल का, वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही, इसलिए मैंने वी वी दोनों जगहों पे लिखा. सो दैट इज ट्वाइस एम वी. तो आज के बाद ये डायरेक्टली याद ही रखें, अगर बॉल जा रही है किसी दीवार की ओर या किसी बैट की ओर, जब ये वापस आ जाती है चेंज इन मोमेंटम होता है ट्वाइस द इनिशियल मोमेंटम यानी ट्वाइस एम वी के बराबर. तो बस खेल खत्म. यहां पर अब पुट कर लेंगे वैल्यूज. इट इज टू. वट इज मास, मास इज 0.15 एंड वट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड. सो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे. सो दैट कम्स इक्वल टू इंटू 15/100 इंटू 12. ठीक है, तो यहां पे कैंसिलेशन होगी 2 इंटू 50s. सो ये बनेगा 5 3s are 5 10s are यानी 3 into 1.2. ठीक है, तो ये 3.6 बन जाएगा. So this will be the impulse. तो अभी तक दो स्टेटमेंट हमने पढ़ी, फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और इंपल्स होता है चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर. Now और एक क्वेश्चन बराबर ऐसा ही है. एक बॉल अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बॉल जा रही थी वापस आ रही थी, चेंज इन मोमेंटम वॉज ट्वाइस एम वी. बट अब की बार ये बॉल किसी एंगल पे जा रही है और उसी वेलोसिटी से वापस आ रही है. अगर उसी वेलोसिटी से वापस आएगी बॉल तो चेंज इन मोमेंटम की फॉर्मूला थोड़ी मॉडिफाई हो जाती है. तो चूंकि हमने इंपल्स ही निकालना है, इंपल्स किसके बराबर होता है, इंपल्स होता है बराबर चेंज इन मोमेंटम पी टू माइनस पी वन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन होगा यहां पर. और यही चेंज इन मोमेंटम जो होगा बराबर जब इंक्लाइन प्रोजेक्शन है, किसी एंगल पे बॉल जा रही है और उसी और वापस आ रही है सेम वेलोसिटी से, तो चेंज इन मोमेंटम होता है ट्वाइस एम वी कॉस थीटा बाई टू. ये आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर सकते हैं. अब अगर वापस आई रिबाउंड होगी तो ट्वाइस एम वी चेंज इन मोमेंटम, अगर किसी एंगल पे तो ट्वाइस एम वी कॉस थीटा बाई टू. सो बस खेल खत्म. इट इज ट्वाइस एम वी. व्हाट इज एंगल, एंगल थीटा यहां पे मेंशन में बता रहा हूं, थीटा जहन में रखना. थीटा ये अंदर वाला एंगल होता है, ये सारा एंगल इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का अंदर वाला एंगल. कभी कभार बाहर वाला एंगल दिया होता है तो ऐसी गलती नहीं करेंगे. सो इट इज कॉस 120/2. सो इट इज कॉस 120/2. सो दिस इज डायरेक्टली ट्वाइस एम वी. कॉस 60 हो गया, कॉस 60 होता है
cos 60 is 1 by 2, it is twice mv into 1 by 2, 2 cancel हुआ, answer आएगा आपका mv के बराबर. So your answer is mv, this is impulse. But कभी कभार question आप ऐसे भी देखेंगे, ऐसी गलती कभी नहीं करना, आपको question ऐसे देखने को मिलेगा, बराबर ऐसे ही ball जा रही होगी, वापस आ रही होगी, ये angle आपका दिया होगा, suppose 25 डिग्री, ये वाला एंगल आपको 25 डिग्री दिया होगा, तो आप बता सकते हैं एंगल थीटा, जो फॉर्मूला में आप थीटा का वैल्यू डालेंगे वो ये वाला अंदर वाला एंगल होता है. तो ये कितना होगा, 180 माइनस 50 यानी 130 डिग्री आपकी बार एंगल होगा. तो ऐसी गलती नहीं करेंगे, ठीक है. बट मेक श्योर, अब अगर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम ना हो तो उस टाइम पे आप डायरेक्टली वेक्टर सबट्रैक्शन करेंगे, इंपल्स होगा बराबर अंडर रूट ऑफ P2 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस P2 cos थीटा. बट मेक श्योर उस टाइम पे अगर इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम ना हो, इसे पहले वाले क्वेश्चन में वेलोसिटी सेम थी यानी मोमेंटम इनिशियल और फाइनल सेम थे, बट अगर मोमेंटम सेम ना हो, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम अगर सेम ना हो तो ये फॉर्मूला यूज करें इंपल्स निकालने के लिए. बट मेक श्योर थीटा उस टाइम पे ये वाला एंगल बनेगा जो फाइनल मोमेंटम इस एक्सटेंडेड लाइन के साथ बनाएगा, ये वाला एंगल उस टाइम पे थीटा होगा. ये इनिशियल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम, ये एक्सटीरियर एंगल उस टाइम पे थीटा बनेगा जो आपको पुट करना है यहां पे, राइट. सो ये कॉन्सेप्ट हम सीख गए. इसके बाद और एक क्वेश्चन है, डिस्क ऑफ मास 100 ग्राम इज केप्ट फ्लोटिंग हॉरिजॉन्टली इन एयर बाय फायरिंग द बुलेट्स, राइट. तो आपके पास एक डिस्क है, ठीक है, वो है डिस्क. एक डिस्क को हमने सस्पेंड किया हुआ है, ये एक डिस्क है, इसका मास मेंशन है, इट इज 100 ग्राम, 100 ग्राम डिस्क है. हम क्या कर रहे हैं, हम इसको बुलेट्स थ्रो कर रहे हैं, नीचे से हम इसको बुलेट्स थ्रो कर रहे हैं. बुलेट का मास दिया गया है, बुलेट का मास है, एक बुलेट का मास है 5 ग्राम, राइट. उससे क्या होगा, ये बुलेट जब इसको टकराएंगे, इस पे थ्रस्ट लगेगा, फोर्स लगेगा, वो फोर्स इसके वेट को बैलेंस करेगा जिसकी वजह से ये डिस्क फ्लोट करेगी, ये गिरेगी नहीं. तो हमसे अब क्वेश्चन पूछ रहा, आप बताइए एक बुलेट की वेलोसिटी, अच्छा और एक चीज भी दी गई है, ये बुलेट जब जा रही है ये उसी वेलोसिटी से वापस आ रही है, जिस वेलोसिटी से एक बुलेट जाती है उसी वेलोसिटी से वापस आते हैं. सो व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, ट्वाइस एमवी, राइट. उसके बाद हमने बताना वेलोसिटी ऑफ ईच बुलेट एट द टाइम ऑफ इंपैक्ट, एक बुलेट की वेलोसिटी कितनी होगी, राइट. तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली यहां पर ऐसा करेंगे, तो फोर्स अपवर्ड फोर्स वो होगा बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, डीपी बाई डीटी के बराबर, दिस इज अपवर्ड फोर्स, और यही इसके वेट को बैलेंस करेगा, राइट. अब चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, अगर हम देखेंगे एक बुलेट में कितना मोमेंटम चेंज आया, ट्वाइस एमवी, तो चेंज इन मोमेंटम होगा ट्वाइस एमवी. और अगर n बुलेट्स जा रहे पर सेकंड में, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा, अगर n है नंबर ऑफ द बुलेट्स, सो n इज द नंबर ऑफ बुलेट्स, डिवाइड में आपका आएगा डेल्टा t. सो दिस इज चेंज इन मोमेंटम, राइट. एक बुलेट का मोमेंटम चेंज होगा ट्वाइस mv, n बुलेट्स होगा मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड बाय dt, और ये इसके वेट के बराबर होगा, इसका वेट है 100 ग्राम, सो इट इज 100/1000 मल्टीप्लाइड बाई जी, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg, g का वैल्यू आप 9.8 लेंगे, 10 नहीं लेंगे, अगर मेंशन होता क्वेश्चन में 10 तो 10 लेते, बट यहां पे आप 9.8 लेंगे. सो हमने वेलोसिटी निकालनी है, नंबर ये जो इट इज नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी बुलेट्स फायर हो रही है, तो वो 10 बुलेट्स पर सेकंड फायर हो रही है, ये भी मेंशन है, नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड. सो क्या ये फॉर्मूला, इनफैक्ट आप डायरेक्टली याद रखना, फोर्स की ये फॉर्मूला है. सो अगर हम पुट करेंगे वैल्यूज, नाउ दिस इज इक्वल टू 2, मास ऑफ बुलेट हमें दिया गया 5 ग्राम, यानी 5 × 10⁻³, वेलोसिटी निकालनी है, नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड इज गिवन एज 10, एंड दैट इज सिंपली इक्वल, ये दो जीरोस कटेंगे, इट इज 9.8 डिवाइड बाई 10, ठीक है. तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे यहां पर, सो वेलोसिटी हमने निकालनी है, तो वेलोसिटी किसके बराबर आएगी, इट विल बी 9.8 डिवाइड बाई 10 into 10 into 10 raised power minus 3 into 2 into 5 आपका 10 बन जाएगा, ठीक है. तो यहां से वेलोसिटी का वैल्यू जो हमारा आएगा, ये तीन जीरोस यहां पे खत्म हो रहे हैं, सो ये तीन जीरोस खत्म हो रहे हैं, तो वेलोसिटी का वैल्यू आपका आएगा, दैट इज 9.8.
मीटर पर सेकंड। सो अगर आप फिर इसमें दिया हुआ है सो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसकी अगर आप सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू इसका आएगा। बट मेक श्योर जहन में ये बात याद रखना कि फोर्स जो लगेगा डीपी बाई डीटी उसकी जनरल फॉर्मूला ये है, ये आप डायरेक्टली याद भी कर सकते हो। अगर आपके पास डिस्क फ्लोट कर रही है, बुलेट्स जा रही हैं, बुलेट्स की वजह से इस पर अपवर्ड थ्रस्ट जो लगता है वो अपवर्ड थ्रस्ट होता है बराबर ट्वाइस एम वी इंटू एन, एन रखना याद, बट एन है नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकेंड, ट्वाइस एम वी इंटू एन, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया। फिलहाल अभी तक जो हम पढ़े हैं वो हम पढ़े हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ पढ़े, सेकेंड लॉ पढ़े, उनका इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी हमने पढ़ ली। तो इसके बाद फिर से और एक क्वेश्चन इंपल्स मोमेंटम थ्योरम पे ही है। हम एक बात जानते हैं कि फोर्स जो होता है बराबर इट इज डीपी बाई डीटी, सो डीपी होता है एफ डी टी के बराबर, इंटीग्रेशन कर लो बोथ साइड से तो चेंज इन मोमेंटम पी फाइनल माइनस पी इनिशियल जो आपका आएगा दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, और वही आपका इंपल्स है कि नहीं। सो दैट मीन अगर मुझे पता है चेंज इन मोमेंटम जो है इसके बराबर आया, बट चेंज इन मोमेंटम इज ऑल्सो इक्वल टू इंपल्स, सो पता चला कि इंपल्स जो होता है असल में हम कहते हैं इंपल्स होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। सो इंपल्स होता है, इंपल्स जो है ये हम ज्ञात होता है चेंज इन मोमेंटम के बराबर, और वही होता है बराबर एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। सो फोर्स टाइम ग्राफ दिया आपको, क्वेश्चन पूछ रहा आप निकालिए चेंज इन मोमेंटम। सो ये इंपल्स मोमेंटम थ्योरम हमारे पास जो बन रही है, सो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम जो हमारी बन रही है दैट इज इंपल्स होता है बराबर P2 माइनस P1, और वही होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। ये चीज आप याद रखें दैट इज एरिया अंडर फोर्स टाइम कर्व। सो फोर्स टाइम कर्व के अंडर जो आप एरिया निकालेंगे वो आपको देगा या तो इंपल्स या तो चेंज इन मोमेंटम, ये तो एक ही बात होगी। सो अब हमने निकालना है चेंज इन मोमेंटम तो हमें एरिया निकालना पड़ेगा। चलिए दोस्तों पहले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, इसका होगा हाफ ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, बेस इज टू एंड ऑल्टीट्यूड इज सिक्स, राइट। अब इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ है यहां से यहां तक हुआ टू इंटू ब्रेड्थ हो गई माइनस थ्री। उसके बाद तीसरे पार्ट का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ है फोर से एट तक होता है फोर, राइट। सो दैट मीन्स प्लस 4 into what is breadth that is 3, 4 into 3, ठीक। तो 2 कैंसिल होगा, इट इज 6 माइनस 6 प्लस 12, सो एरिया आपका 12 आया, यानी चेंज इन मोमेंटम भी 12 ही होगा। सो चेंज इन मोमेंटम इज 12, राइट। तो कनेक्टेड सिस्टम में फिर से न्यूटन सेकंड लॉ के क्वेश्चंस है, एक्सर फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होगा फोर्स बाय मास के। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है आपके पास एक सिस्टम है 40 केजी का ब्लॉक यहां है, 30 केजी का ब्लॉक यहां है, हमने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन, हमें एक्सेलरेशन निकालनी है सिस्टम की, वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन। तो यहां से जो फोर्स लगेगा अलोंग द इंक्लाइन 40 जी साइन 30 लगेगा, बट मेक श्योर जी का वैल्यू आप 10 ले सकते हैं, बट अगर मेंशन हो यहां, जहां मेंशन ना हो जी का वैल्यू 9.8 लेना है, बिकॉज ऑप्शंस को देख के हम डायरेक्टली बता सकते हैं। सो यहां से फोर्स जो लगेगा दैट इज 40 जी साइन 30, इधर से जो फोर्स लगेगा दैट इज 30 जी साइन 30। सो एक्सेलरेशन होगी ये फोर्स माइनस ये फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास। सो एक्सेलरेशन जो आपकी आएगी दैट इज 40 जी साइन 30 होगा 1/2 माइनस वो वाला फोर्स दैट इज 30 जी साइन 30 आपका हुआ 1/2 डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम दैट इज 70 केजी, राइट। तो ये कैंसिलेशन होगी 2 × 20 2 × 15, सो यहां से आपका आंसर आया 20 जी माइनस 15 जी डिवाइड बाई 70, सो दैट इज 5 जी डिवाइड बाई 70। सो आंसर आएगा 5 इंटू जी के बदले 9.8 डाल दो डिवाइड बाई 70, सो इट इज 5 इंटू 8 इज 40, 5 × 9 = 45 यानी 49.0 डिवाइड बाई 70। तो 7 × 7 = ये बन जाएगा फिर ऑटोमेटिकली 10 से डिवाइड कर लो 4.9 डिवाइड बाई 7 बन जाएगा, यानी 0.7 आपके सवाल का जवाब होगा। सो 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो सेकेंड लॉ पे ही है हम अभी, देखिए और एक क्वेश्चन ये मंकी प्रॉब्लम है, ये आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है, तो आ सकता है नीट एग्जाम में आने के चांसेस है। मंकी जब ऊपर जा रहा है हमें पता है यहां पर एक तो मंकी का कॉन्सेप्ट भी है, यहां पे वेइंग मशीन एलिवेटर का कॉन्सेप्ट भी है,
मंकी जब ऊपर जा रहा है हमें पता है रस्सी में जो टेंशन होता है दैट सिंपली इज इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए, ये आपको याद रखना। अगर मंकी नीचे जा रहा हो टेंशन होता है बराबर एम इंटू जी माइनस ए, राइट, टेंशन कम होता है। अगर ये मंकी एक्सेलरेट ना हो रहा हो या तो ये रेस्ट में हो या कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हो टेंशन होता है एम जी के बराबर, ठीक है, ये जहन में आप रखेंगे। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ये मंकी इसका एक्चुअल मास है 40 kg, तो इसका वेट कितना हुआ, यहीं पे मैं इसका वेट दिखाऊंगा, वो होगा 400 newton, 40 mg, तो इसका वेट है 400 newton। अब रस्सी जो है वो मैक्सिमम टेंशन बर्दाश्त कर सकती है 500 newton, हमें बताना किस केस में रस्सी के कटने का खतरा है। अब ऑप्शंस की ओर हम नीचे ध्यान डालेंगे। एक बात तो कंफर्म है, मंकी का मास है 400, अगर ये नीचे उतरेगा ना, इसका वेट, सॉरी वेट है मंकी का 400, जब ये नीचे जाएगा नीचे जाते जाते टेंशन घटता है तो टेंशन 400 से कम हो जाएगा, तो रस्सी के कटने का खतरा नहीं है, बिकॉज ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग फोर्स जो दिया गया है वो दिया गया है 500 newton। सो मंकी जब नीचे उतरेगा रस्सी नहीं कटेगी भले ही ये किसी भी एक्सेलरेशन से नीचे उतरे। दूसरा पार्ट अगर हम देखेंगे, मंकी अगर क्लाइंब करेगा यूनिफॉर्म स्पीड से, कॉन्स्टेंट स्पीड से जब मंकी क्लाइंब करेगा तो टेंशन एम जी के बराबर होगा यानी 400 न्यूटन के बराबर होगा, उस केस में भी रस्सी नहीं कटेगी। तो रस्सी कब कट सकती है, जब टेंशन बढ़ेगा, जब ये मंकी ऊपर जाएगा, टेंशन उस टाइम पे होता है एम इंटू जी प्लस ए के बराबर। सो चलिए इस दौरान अगर हम देखेंगे टेंशन जो होगा, इट इज मंकी का मास कितना आपका 40, G का वैल्यू 10 प्लस ये किस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है 5, पहले ऑप्शन की ओर मैं ध्यान डाल रहा हूं, 10 plus 5, तो ये बन जाएगा 40 into 15, ये अराउंड बन जाएगा 600 newton, राइट। तो टेंशन यहां से ब्रेकिंग फोर्स से ज्यादा हो गया, इट इज 0, 4, 5, 20, 600 newton टेंशन बन जाएगा, और ब्रेकिंग टेंशन हमारा 500 newton, इस केस में रस्सी कटेगी। तो तीसरा ये वाला था, मंकी क्लाइंबिंग डाउन जाने के टाइम पे टेंशन एक्चुअल वेट से कम हो जाता है तो रस्सी नहीं कटेगी। मंकी कॉन्स्टेंट स्पीड से ऊपर जाएगा, वेट होगा अपेरेंट वेट, टेंशन होगा बराबर एक्चुअल वेट के, उस टाइम पे भी रस्सी नहीं कटेगी। मंकी का अगर फ्री फॉल होगा, होने दो फ्री फॉल, फ्री मंकी जब नीचे जाएगी फ्री फॉल के टाइम पे तो वेट जीरो होता है, टेंशन जीरो बन जाएगा, तो उस टाइम पे भी ये रस्सी नहीं कटेगी। तो एक ही टाइम पे रस्सी कब कटती है, जब ये ऊपर एक्सेलरेट हो और एक्सेलरेशन इतनी हो कि टेंशन आए ब्रेकिंग फोर्स से, मैक्सिमम टेंशन से ज्यादा। तो याद रखना ये पॉइंट, मंकी जब ऊपर जाए टेंशन होता है mg प्लस ma, नीचे जाए mg माइनस ma, और अगर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जाएगा तो mg के बराबर होगा, राइट। तो ये वाला सिस्टम और एक पुली प्रॉब्लम आपके सामने है। पुली प्रॉब्लम्स तो बड़ी खतरनाक हमारे बुक्स हम देख सकते हैं, बट यहां नीट एग्जाम में आपको बेसिक प्रॉब्लम्स पूछी जाती है। तो ये वाले सीन में अगर हम देखेंगे हमने क्या करना है, एक तो हमने बनाना है, वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक, और रस्सी में टेंशन निकालना ए और बी, ए और बी इस रस्सी में आपको टेंशन निकालना। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन हम निकालेंगे, एक साइड का वेट माइनस दूसरे साइड का वेट डिवाइड बाय टोटल मास, दैट गिव्स द एक्सेलरेशन। इस साइड का वेट होगा 3g और 1g हुआ 4g, माइनस इस साइड का वेट है 3g डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, दैट इज 3 plus 1 is 4 plus 3 is 7। सो एक्सेलरेशन आएगी 4g minus 3g, सो इट इज जी डिवाइड बाई 7। तो पहला काम तो हो गया, एक्सेलरेशन तो मिल गई हमें। इनफैक्ट ये सारा सिस्टम कनेक्टेड है, हर एक ब्लॉक की यही एक्सेलरेशन होगी। अब चूंकि यहां का मास ज्यादा, ये सिस्टम नीचे जाएगा, अब हमें ऊपर की ओर टेंशन निकालना है, ये वाला टेंशन निकालना है। तो पहले यहां से कितना वेट होगा 1g, तो सिस्टम नीचे जाएगा तो 1g टेंशन से ज्यादा होगा। सो इक्वेशन लिखेंगे 1 kg ब्लॉक के लिए, तो क्या आएगी इक्वेशन, 1g माइनस टी आएगा 1 into एक्सेलरेशन के बराबर, पुट द वैल्यू ऑफ ए गेट द वैल्यू ऑफ टेंशन। सो इट इज 1g माइनस टी इज इक्वल टू 1, एक्सेलरेशन का वैल्यू हमें आया है g/7, सो इसको इधर शिफ्ट कर ले, ये बनेगा g minus g/7, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन। सो 7g minus g तो आएगा 6g/7, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन, 6 acceleration g/7, एंड acceleration का वैल्यू हमें g/7 आया है यानी ये वाला ऑप्शन, और टेंशन आया 6g/7 यानी ये ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन।
अब देखिए दोस्तों, अब हमारे पास और एक कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यूजुअली हम वो रिकॉइलिंग ऑफ गन में भी देखते हैं, मोमेंटम कंजर्व रहता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें कहता है अगर एक सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो लग रहा है तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है। यानी अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, P इनिशियल होता है बराबर P फाइनल के, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बस दैट इज इट। अब इसमें गन प्रॉब्लम और बम एक्सप्लोजन वाली प्रॉब्लम आती है, मैं दोनों दिखाऊंगा। गन प्रॉब्लम में देखिए क्या, आपके पास एक गन है, ये गन है, यहां से बुलेट निकल रही है, गन से बुलेट निकल रही है, ठीक है। तो गन का मास है, बुलेट का मास है 200 ग्राम, 200 ग्राम इज द मास ऑफ द बुलेट। गन का मास है 100 kg, बुलेट की मजल स्पीड ऑफ द शेल, शेल मीन्स बुलेट, बुलेट की जो स्पीड है दैट इज 80 मीटर पर सेकेंड, 80 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो हमने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन, गन की रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है। तो वी हैव टू यूज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हियर, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। इनिशियली सिस्टम रेस्ट में था तो इनिशियल मोमेंटम वॉज जीरो। फाइनल मोमेंटम में दो चीजें आती हैं, एक तो बुलेट का मोमेंटम और गन का मोमेंटम। बुलेट का मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी, तो मैं लिखूंगा मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ गन, राइट। सो कमिंग हियर, दिस इक्वल टू, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ बुलेट इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, 200 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे और वेलोसिटी दी गई है 80 मीटर पर सेकेंड। अगर बुलेट का मोमेंटम आप यहां से लेंगे पॉजिटिव, तो गन अगर पीछे जाएगी इसका मोमेंटम नेगेटिव लेना पड़ेगा। सो गन का मोमेंटम है माइनस मास ऑफ गन, दैट इज 100 kg इंटू वेलोसिटी ऑफ द गन। सो देयर हियर वी विल गेट द वेलोसिटी, सो दिस इक्वल 100 × V आएगा, ये दो जीरो जाएंगे, सो 2/10 × 80 के बराबर। सो जीरो जीरो गया, वेलोसिटी आएगी 2 × 8/100, ठीक है। तो ये बन जाएगा 16/100 m/s, राइट। सो क्योंकि आंसर जो है कि सेंटीमीटर्स पर सेकंड में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यानी 16/100 × 100 टू कन्वर्ट मीटर पर सेकंड इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड। सो 100 कैंसिल, सो इट इज 16 सेंटीमीटर पर सेकंड जो आएगा इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। बट मीटर पर सेकंड मैं भी दिया था, बट 16/100 m/s हमारा आंसर आया था। सो दिस इज अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो जब भी आप गन से फायर करेंगे, बुलेट्स आगे जाएंगे, गन पीछे जाएंगे, इन ऑर्डर टू कंजर्व द मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम देखेंगे बॉम्ब ऑफ मास 16 kg, देखिए ये भी आपके पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर ही क्वेश्चन है। आपके पास एक बॉम्ब है जिसका मास है 16 kg, इसके दो हिस्से होते हैं 4 kg और 12 kg, ये 4 kg का हिस्सा है और समझो ये 12 kg का हिस्सा है। द वेलोसिटी ऑफ मास ऑफ 12 kg इज 4 m/s, इसी से की वेलोसिटी है 4 m/s। वी हैव टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर मास, इस मास की काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इस पार्ट की वेलोसिटी यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें कहता है पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। इनिशियली बॉम्ब वॉज एट रेस्ट, कोई एक्सप्लोजन नहीं था, इनिशियल मोमेंटम वॉज जीरो। एंड व्हाट इज फाइनल मोमेंटम, अगर ये वाला मोमेंटम आप पॉजिटिव लेंगे, मास इनटू वेलोसिटी 12 × 4, ये वाला नेगेटिव लेना पड़ेगा, ये पीछे चला जाएगा, सो इसका मोमेंटम होगा -4 × V। तो यहां से मैं इसकी वेलोसिटी पहले निकालूंगा, फिर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। सो 4V आपका आएगा 12 × 4 के बराबर, 4 विल कैंसिल आउट, वेलोसिटी आई 12। सो वेलोसिटी आपकी आई इस हिस्से की 12 m/s। अब इससे की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, सो काइनेटिक एनर्जी आएगी ½ mv², मास इसी से का है 4, वेलोसिटी है 12 square, सो 2 × 2 = 4, ये बनेगा 2 × 12² हुआ 144, सो आपका आंसर आएगा 288 joule विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ये वाला क्वेश्चन भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर ही था। आपको मैं फिर से एक बार याद दिला दूं, हमने अभी तक पढ़ा न्यूटन फर्स्ट लॉ के क्वेश्चन, न्यूटन सेकंड लॉ के क्वेश्चन, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम हमने पढ़ ली, और हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के भी क्वेश्चन किए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मशीन गन है, ये बुलेट फायर कर रहा है, यहां पे भी बराबर यही है। एक बात लेकिन याद रखिएगा, जो वेरिएबल मास सिस्टम होता है, ये जो गन है इससे जब बुलेट्स बाहर जा रहे हैं इसका मास वेरी कर रहा है, तो एक थ्रस्ट लगता है सिस्टम पे, फोर्स लगता है। जब भी कोई सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगे और इससे मास, इसका मास चेंज हो रहा, तो थ्रस्ट लगता है। तो फिलहाल यहां पे एक बात याद रखना, जो गन, जब आपने गन से फायर किया था, पीछे की ओर फोर्स लगता है, और वो फोर्स जो होता है, वो थ्रस्ट जो होता है, दैट इज VR dm/dt के बराबर। VR इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द
चीजें जो बाहर निकल रही है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बुलेट्स विद रिस्पेक्ट टू गन, जो बुलेट्स बाहर जा रही है वी आर है उनकी वेलोसिटी, डीएम बाई डीटी हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, मास कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, ठीक है। सो ये एक सिस्टम है फिलहाल। अब हम क्या कर रहे हैं, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि द मैन होल्डिंग इट कैन एक्सर्ट अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 144 न्यूटन, ये इंसान इस गन पे लगा सकता है 144 न्यूटन, यानी गन इंसान पे लगाएगा कितना, 144 न्यूटन फोर्स दिया गया है, राइट। तो और भी मेंशन है कि वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है वो बुलेट्स की है 12 मीटर 100 मीटर पर सेकंड। हमने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी बुलेट्स ही कैन फायर पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी बुलेट्स फायर कर सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसको मैं थोड़ा सा सिंपलीफाई करना चाहूंगा, फोर्स होगा बराबर वी आर डी बाई डी टी ऑफ, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, मास कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, यानी मास कितनी तेजी से बाहर निकल रहा। सो अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं ऐसे लिखूंगा, इट इज मास ऑफ ईच बुलेट इनटू नंबर ऑफ द बुलेट्स, बिकॉज ये रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल बाहर निकला हुआ मास है। सो बाहर निकले हुए मास को हम लिख सकते हैं मास ऑफ ईच बुलेट इनटू नंबर ऑफ बुलेट्स, राइट। तो डायरेक्टली फोर्स किसके बराबर आएगा, दैट इज वी आर मास ऑफ ईच बुलेट इनटू डीएन बाई डीटी। अब कोई पूछेगा सर ये डीएन बाई डीटी क्या है, इट इज नंबर ऑफ बुलेट्स फायर पर सेकंड, इट इज नंबर ऑफ बुलेट्स, बुलेट्स एक सेकंड में कितनी बाहर आ रही है। सो फोर्स का वैल्यू हम डालेंगे 144, रिलेटिव वेलोसिटी है 1200, मास ऑफ एक बुलेट का मास है 40 ग्राम, यानी 40/1000, और यहां पे आपको निकलेगा नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकेंड, राइट। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं आप, ये 0000 गया, सो इट इज 144 डिवाइड बाई 120 × 4, ठीक है। सो दैट इज डीएन बाई डीटी। सो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, यहां पे आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि एक सेकंड में, इनफैक्ट जब आप ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ये वैल्यू निकल आता है आपका 3, 3 बुलेट्स एक सेकंड में फायर कर सकता है। सो योर ऑप्शन इज ऑप्शन 3, बट यहां पे एक ये और एक जीरो था यहां पे, ठीक है। तो ये जीरो इसके साथ कटेगा बिकॉज इट वॉज 40/1000, राइट। तो यहां पे ये बनेगा, ये जीरो नहीं है यहां पे, सो 144 डिवाइड बाई 12 × 4, यानी 144 डिवाइड बाई 12 × 4, राइट। तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो, इसका वैल्यू 3 आ जाएगा बिकॉज आप डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते 12 × 12, सो 4 × 1 = 4, 3 = 4, सो 3 बुलेट्स विल बी फायर्ड पर सेकंड। तो याद रखना वेरिएबल मास सिस्टम, जब भी आप गन से बुलेट्स फायर करोगे गन पे एक थ्रस्ट लगता है, वो हमेशा होता है वी आर डीएम बाई डीटी, वी आर इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टिंग बुलेट्स एंड डीएम बाई डीटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। अब देखिए फिर से वो ये क्वेश्चन है, ये रॉकेट का क्वेश्चन है, रॉकेट पे भी जब रॉकेट ऊपर जाता है ये वेरिएबल मास सिस्टम ये धुआं पीछे छोड़ जाता है तो रॉकेट पे फोर्स लगता है वी आर डीएम बाई डीटी। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है रॉकेट डीएम बाई डीटी दिया गया, एक सेकंड में कितने गैसेस बाहर निकल रहे, कितना मास बाहर निकल रहा है, स्पीड ऑफ गैस रिलेटिव टू रॉकेट स्पीड भी दी गई है, मास ऑफ रॉकेट भी दिया गया है, आपको निकालनी एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट। सो पहले बताओ थ्रस्ट कितना रॉकेट पे लगेगा, ये भी वेरिएबल मास सिस्टम है वो होगा वी आर डीएम बाई डीटी, दिस इज थ्रस्ट, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन निकालनी है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, दिस इज वी आर डीएम बाई डीटी। सो एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट विल बी वी आर बाई एम डीएम बाई डीटी। So what is the acceleration of rocket equal to, what is relative velocity, that is given as 50, what is mass of the rocket, that is given as 2 kg, it is 2, and what is dm by dt, rate of change of mass, rate of ejection of the gases, that is 0.1 kg per second। So ye ban jayega 5/2, ye 0 aur ye 0.1 aur ye ban jayega 1, it is 5/2, yani aapka answer aayega 2.5 m/s² this is 2.5 m/s². to variable mass system pe jo force lagta hai that is vr dm by dt। Figure shows a position time graph of one dimensional motion of mass 500 g, what is the time interval between two consecutive impulses received by the body, ye position time graph di gayi hai, aapko pata hoga position time graph jo hota hai that uska slope hame deta hai velocity। To agar hum dekhenge ye point se pehle velocity positive hai, slope positive hai na, yani velocity positive hai, to isse just jab aap yahan gaye slope decrease ho raha hai, negative slope hai, yani velocity negative ho gayi, yani velocity ne apni direction change ki, so yahan se 0 se 2 second tak velocity slope jo tha wo positive tha, to velocity ye direction mein thi, but 2 second pe velocity slope negative ho gaya, yani velocity negative ho gayi, yani direction reverse ho gayi, to wahi pe to impulse act hua hoga, uske baad fir se yahan direction fir se change hoti hai, fir se yahan change hoti hai, so after every 2 seconds body change
reverses its direction of the velocity, so it receives the impulse after every 2 seconds. ये NCERT पे भी क्वेश्चन है, सो 2 seconds के बाद ये इंपल्स रिसीव करेगी बॉडी. देखिए आपके पास अब हम आए और एक नए कॉन्सेप्ट पे, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे. तो यहां पे हमें क्वेश्चन बता रहा है कि अगर आप ये वाला मास कट करोगे, ये वाला मास अगर आप ये रस्सी कट करोगे, तो इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन क्या होगी जस्ट आफ्टर द कट. तो तरीका क्या है, तरीका मैं बताऊंगा. सबसे पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, नीचे से वेट होगा mg, क्योंकि ये सिस्टम रुका हुआ है, तो ऊपर से इस रस्सी में टेंशन भी mg के ही बराबर होगा, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, नेट फोर्स है 0, सो ये भी mg, ये भी mg के बराबर होगा, राइट. उसके बाद इस ऑब्जेक्ट का अपना वेट है, दैट इज ट्वाइस mg, ऊपर से कितना फोर्स होगा, स्प्रिंग में कितना फोर्स है, ये ऑब्जेक्ट भी रुका हुआ है, अब इसमें नेट फोर्स कितना है, ट्वाइस mg और mg, दैट इज थ्राइस mg, तो ऊपर से जो फोर्स लगेगा वो थ्राइस mg होगा. अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. जब आप ये काटेंगे, इसका फ्री फॉल होगा, इसकी एक्सेलरेशन g होगी, तो लोअर ब्लॉक की एक्सेलरेशन g होगी, ठीक है. अब ऊपर वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन निकालेंगे, पहले 2m और m की हमें निकालनी है. m की एक्सेलरेशन क्या आ गई, वो आ गई g, ये लोअर ब्लॉक की एक्सेलरेशन हमें आ गई. अब 2m, जब आप ये काटेंगे तो mg वाला फोर्स टेंशन तो 0 बन जाएगा, अब नीचे से सिर्फ 2mg है, ऊपर से थ्राइस mg, सो इज एक्सेलरेशन ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, सो इज एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक थ्राइस mg माइनस 2mg, बिकॉज ये वाला mg खत्म हो गया टेंशन 0 बनने के कारण, डिवाइड में इसका मास, दैट इज 2m, so thrice mg minus twice mg, that is mg divided by 2m, mm गया, तो आपका आंसर आया g by 2, right. तो 2m ब्लॉक की एक्सेलरेशन होगी ऊपर की ओर g by 2, और m वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन होगी नीचे की ओर g, so पहला ऑप्शन ही इसका करेक्ट ऑप्शन. So, फिर से स्प्रिंग ब्लॉक का और एक क्वेश्चन आपको. सबसे पहले जब भी आप स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम देखोगे, आप डायरेक्टली फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ. तो यहां पे अगर हम देखेंगे, सबसे पहली चीज क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि आप ये सिस्टम जो ये इक्विलिब्रियम में, सो लेट अस सपोज दिस इज ब्लॉक 1, दिस इज 2 एंड दिस इज ब्लॉक 3, तीन ब्लॉक्स है हमारे पास, ये इक्विलिब्रियम में है, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में, चलिए ठीक है. अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स आर सस्पेंडेड एज शोन, इफ द थ्रेड इज कट दैट सपोर्ट्स ब्लॉक 1, अगर ये वाली रस्सी आप काटेंगे दोस्तों, ये वाली रस्सी अगर आप काटोगे तो क्या होगा, इनिशियली जस्ट आफ्टर कट क्या होगा. The second block falls with zero acceleration. ये block नीचे गिरेगा और इसकी acceleration zero होगी. हाँ ये correct है. क्यों? जब आप ये काटोगे ये वाला tension zero बनेगा. But ये spring so उतनी ही stretch है ना, ये तो abruptly compress नहीं होगी. जो ही आप ये काटेंगे spring force change नहीं होता. Stretching काटते समय spring force change नहीं होगा. So इस पे यहां से उतना ही force है, यहां से भी उतना ही force है, यानी इस पे अभी भी net force होगा zero, यानी ये block की acceleration zero होगी. तो पहला तो सही है, second block falls with zero acceleration. Yes, it will fall, but its acceleration will be zero. Okay. दूसरा ऑप्शन, द फर्स्ट ब्लॉक फॉल्स विद मैक्सिमम एक्सेलरेशन, पहला ब्लॉक मैक्सिमम एक्सेलरेशन से गिरेगा. तो यहां पे भी इस वाले तीसरे ब्लॉक पे भी अगर हम देखेंगे फोर्स चेंज नहीं होंगे, तो इसकी भी एक्सेलरेशन जीरो होगी, बट इसका टेंशन तो जीरो बन गया, नीचे से तो स्प्रिंग फोर्स है, इसमें एक्सेलरेशन होगी और इन तीनों के मुकाबले में इसकी एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगी. सो ब्लॉक 1 जो है, फर्स्ट ब्लॉक फॉल्स विद मैक्सिमम एक्सेलरेशन, यानी दोनों करेक्ट है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. A block of mass m rests on a rough inclined plane. We have an inclined plane here. इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है. The coefficient of friction between the block and the surface is mu. Coefficient of friction mu दिया गया. हमें बताना है at what angle of inclination theta will the block just begin to slide. ये ऑब्जेक्ट किस एंगल थीटा पे इट विल जस्ट बिगिन टू स्लाइड, ये नीचे आने की कोशिश करेगा. तो यहां पे अगर हम देखेंगे इधर से कौन सा फोर्स आपका इसका आएगा, mg sin theta. So can I write it is mg sin theta. पीछे से होगा फ्रिक्शनल फोर्स और वो होता है mu prime is normal, ठीक है, normal यहां से होता है, normal के opposite में हम जानते हैं mg cos theta होता है, फ्रिक्शन फोर्स होगा mu prime is normal, यानी it is at the worst to slide down, उस टाइम पे mg sin theta होगा ये वाले फोर्स के बराबर. सो कैन आई सिंपली राइट mg sin theta is equal to mu prime is normal, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, normal खुद mg cos theta के बराबर है. तो बताइए दोस्तों यहां पे क्या होगा, mg mg विल कैंसिल आउट, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये आएगा टेन थीटा आएगा म्यू के बराबर, यानी थीटा आया
tan inverse mu. और अगर आप जानते होंगे it is called angle of repose. ये वो angle है जिस angle of inclination पे object है it is at the verge to slide down. ठीक है, और हमेशा याद रखना ये होता है tan inverse mu के बराबर. So आपका answer tan inverse mu है. Right, तो friction की ओर हम घुस रहे हैं. अगर आप देखेंगे friction की ओर हम घुस रहे हैं. देखिए दोस्तों, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द ट्रेन्स फ्लोर इज 0.2. यानी आपके पास एक ट्रेन है, वो है ट्रेन, और इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है 0.2. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है. द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, आपको बताना है ट्रेन की मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगी, सो दैट इन विच अ बॉक्स लाइंग ऑन फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी. ताकि ये ब्लॉक जो है इसकी क्या एक्सेलरेशन होगी, ताकि ये ब्लॉक इसके स्लाइड ना करे, ताकि ये ब्लॉक इसी के साथ चले. तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे इस ब्लॉक को आगे कौन ले जाएगा, जब ये आगे जा रहा ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगाएगा पीछे, तो नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगाएगा आगे. राइट, तो ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन कहां होगा, आगे. तो इस वाले ब्लॉक को आगे कौन ले सकता है, सिर्फ फ्रिक्शन. और फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या लाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन. सो व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स ऑन अपर ब्लॉक, ऊपर वाले ब्लॉक पे मैक्सिमम फोर्स कितना होगा, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स एंड दैट इज ऑब्वियसली म्यू टाइम्स नॉर्मल के बराबर. म्यू दिया गया है 0.2, ठीक है, 0.2 नॉर्मल. मान लो नॉर्मल ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होगा mg. मास तो नहीं दिया है ऑब्जेक्ट का, ब्लॉक का, फिलहाल मैंने mg लिखा. सो ये मैक्सिमम फोर्स है ऊपर वाले ब्लॉक में, बिकॉज फ्रिक्शन के अलावा इस पे कोई और फोर्स तो लगने वाला नहीं है. सो एंड दिस इज द मैक्सिमम फोर्स. सो इस ऊपर वाले ब्लॉक की मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगी, सो फोर्स होता है मास इनटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन, mx. तो मास मास गया, सो mx इसके बराबर आएगा म्यू टाइम जी. म्यू 0.2 है ना. सो ये बात आप डायरेक्टली याद रखिए, अगर एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक है, ऊपर वाले ब्लॉक की मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकती है, म्यू टाइम जी. तो नीचे वाले ब्लॉक की भी एक्सेलरेशन यही होनी चाहिए, बिकॉज अगर इससे ज्यादा होगी तो रिलेटिव स्लाइडिंग हो सकती है. सो नीचे वाले ब्लॉक की भी एक्सेलरेशन म्यू टाइम जी होनी चाहिए. तो आपको डायरेक्टली एक शॉर्टकट फॉर्मूला बन गई, बताइए नीचे वाले ब्लॉक या ऊपर वाले ब्लॉक की मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगी, ताकि रिलेटिव स्लाइडिंग ना हो, that is mu times g, plus that is it. So maximum acceleration आएगा, mu का value 0.2, g का value आपका है 10, so it is 2, so 2 meter per second square for first option is the correct option. देखिए दोस्तों, friction के ऊपर ही एक question है, but एक बात सबसे पहले मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं. जब तक object हिले ना, जब तक object rest में है, तब तक अप्लाइड फोर्स होता है फ्रिक्शन, या फ्रिक्शनल फोर्स होता है अप्लाइड फोर्स के बराबर. फ्रिक्शन म्यू टाइम नॉर्मल नहीं होता, ये गलत सोच. जब तक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, मैं आपसे कहूंगा व्हाट इज फ्रिक्शन इक्वल टू, आप म्यू टाइम नॉर्मल नहीं कहेंगे, आप कहेंगे फ्रिक्शन है अप्लाइड फोर्स के बराबर. बट जब ऑब्जेक्ट फिर चलेगा, उस दौरान चीजें चेंज हो जाती है. फिलहाल ये वाला क्वेश्चन रुका हुआ है, तो क्वेश्चन हमसे बता रहा है कि आप फ्रिक्शनल फोर्स निकाल के दीजिए. तो हम डायरेक्टली करेंगे क्या, हम लिखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स म्यू टाइम इज नॉर्मल, म्यू का वैल्यू 0.8, जितना अप्लाइड फोर्स है 5 न्यूटन, नॉर्मल भी इतना ही होगा, तो ये अप्लाइड फोर्स 5, नॉर्मल भी 5 होगा, एक्शन एंड रिएक्शन फेयर, सो यह आएगा 4 न्यूटन. तो आप कहेंगे सर फ्रिक्शनल फोर्स 4 न्यूटन है, जो कि सरासर गलत है. क्यों, क्योंकि अगर हम देखेंगे इसको गिराएगा कौन, ये वाला फोर्स 0.2g, यानी ये जीज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हियर, सो इट इज 0.2 × 10, यानी 2 न्यूटन. सो इट इज अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स है 2 न्यूटन. मैक्सिमम फ्रिक्शन ये होता, इट इज मैक्सिमम फ्रिक्शन 4 न्यूटन. सो ऑब्जेक्ट चलेगा, नीचे गिरेगा नहीं, बिकॉज मैक्सिमम फ्रिक्शन 4 है, डाउनवर्ड फोर्स 2 है, ये कहां नीचे गिरेगा. तो अब की बार अब फ्रिक्शन 4 नहीं होगा, वो अप्लाइड फोर्स को बैलेंस करेगा. सो फ्रिक्शन विल बी 2 न्यूटन, नॉट 4 न्यूटन. सो फ्रिक्शन का वैल्यू आएगा 2 न्यूटन. तो ये बात दोस्तों याद रखेंगे, जब तक ऑब्जेक्ट गिरे ना, जब तक ऑब्जेक्ट चले ना, फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू अप्लाइड फोर्स. सो 2 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर हियर. अब देखिए, अब हम आ रहे हैं सर्कुलर मोशन की ओर. अब सीक्वेंस देख लीजिए, हम सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ रहे हैं. सर्कुलर मोशन की ओर हम आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, सर्कुलर मोशन 2 तरह की होती है, या तो यूनिफॉर्म या तो नॉन यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है कॉन्स्टेंट, वी होता है कॉन्स्टेंट स्पीड. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है वेरिएबल, ये आप याद रखेंगे. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक एक्सेलरेशन होती है सेंटर की ओर, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, वी स्क्वायर बाय आर या आर ओमेगा स्क्वायर. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होती ही होती है, देयर इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑल्सो,
इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और नेट एक्सेलरेशन होती है इनका रिजल्टेंट ये. सो नेट एक्सेलरेशन इज अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर. सो मेक इट श्योर. ठीक है, तो चलिए सर्कुलर मोशन की ओर हम आते हैं. अब ए कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, स्पीड दी गई है ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 500 मीटर. ये किसी इंस्टेंट पे स्पीड है, ये कॉन्स्टेंट स्पीड से नहीं चल रहा है, ये किसी इंस्टेंट पे इसकी स्पीड है. इट इज स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दी गई है. स्पीड इज इंक्रीजिंग एट दिस रेट, सो इट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. वी हैव टू फाइंड द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द कार, यानी ये वाला कॉन्सेप्ट सामने आएगा. पहले सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जरा निकालते हैं. व्हाट इज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन? That is v square by r. Speed है 30 इस इंस्टेंट पे, 30 square divided by what is radius? Radius is 500. So it is 30 into 30 divided by 500. So 0000 it is 9 by 5. This is centripetal acceleration. Tangential acceleration आपको वहीं से mention है 2 meter per second square. Now what is net acceleration? Net acceleration होगा under root of ac square plus at square, यानी 9 by 5 का square plus 2 square. So this comes equal to under root of 81 by 25 plus 4. ये बनेगा under root of 81 plus 100, यानी 181 divided by 25. जब आप ये solve करेंगे, it comes equal to 2.7 meter per second square. ठीक है? So हमने circular motion discuss की. Uniform circular motion में speed constant रहती है. सिर्फ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होती है वी स्क्वायर बाय आर या आर ओमेगा स्क्वायर. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कॉन्स्टेंट नहीं रहती है, वहां सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी होती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होती है. कभी कभार आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, थोड़ा सा यहां पे और एक पॉइंट में आपको समझाता चलूं. मान लो कभी क्वेश्चन होगा, वी दिया गया है 4t के बराबर, फाइंड एक्सेलरेशन. अब आप सोचेंगे ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म. देखो स्पीड चेंजेस विद द टाइम, इट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 1 सेकंड, 1 सेकंड पे एक्सेलरेशन निकालिए. तो सबसे पहले आप निकालेंगे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज वी स्क्वायर बाय आर, दैट मीन्स 4t का स्क्वायर डिवाइड बाय आर. टी का वैल्यू पुट करेंगे, आर का वैल्यू सपोज 2 मीटर दिया गया है, आर का वैल्यू पुट करेंगे, हो गई सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. अब अगर आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना चाहोगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की और एक भी फॉर्मूला है डीवी बाई डीटी. डिफरेंशिएशन ऑफ द वेलोसिटी गिव्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. सो इसकी डिफरेंशिएशन आई 4. सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी मिली, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी मिली. ये फॉर्मूला यूज करेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. सो इट वॉज ऑल अबाउट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. देखिए अब हम आते हैं वो फ्रिक्शन टायर्स वगैरह हम आते हैं. देखिए क्वेश्चन, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज 0.25. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है 0.25 टायर और रोड के बीच में, गाड़ी के टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन दिया. द मैक्सिमम स्पीड विद विच द कार कैन बी ड्रिवन अराउंड ए कर्व ऑफ रेडियस, कार रोड का रेडियस भी दिया है, स्किडिंग ना हो. आपने पढ़ा होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. कार जब चल रही होती है, मान लो ये कर्वड आर्क है, इधर की ओर होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर. सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करता है फ्रिक्शनल फोर्स, ये आपको पता होगा. सो फ्रिक्शन इज बैलेंसिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सो कैन आई सिंपली राइट फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर. फ्रिक्शनल फोर्स म्यू टाइम्स एम जी आपका होगा, इट इज एम वी स्क्वायर बाय आर. एम एम कैंसिल होगा, वेलोसिटी आएगा अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी. ये फॉर्मूला आप कई बार पढ़े होंगे, जबानी याद भी होगी. सो व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी विद विच द कार कैन नेगोशिएट द कर्व? इट इज अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी. म्यू का वैल्यू आप दोस्तों पुट करेंगे 0.25, रेडियस इज ऑलरेडी गिवन 40 मीटर, और जी का वैल्यू आप लेंगे 10. तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ, ये बन गया 100, ये बनेगा 0.25 इंटू 4 इंटू 100. 0.25 इंटू 100 हुआ 25, 25 इंटू 4 हुआ 100, यानी टोटल 100, यानी आपका आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकंड इज द मैक्सिमम स्पीड, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन. देखिए और एक क्वेश्चन है, सर्कुलर ट्रैक है 300 मीटर जिसका रेडियस है, बैंकिंग एंगल भी मेंशन किया गया है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया है. यानी यहां पर दो चीजें हैं, फ्रिक्शन भी और बैंकिंग भी, ऑलरेडी आप पढ़े होंगे. अच्छा, ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द रेस का अवॉइड वियर एंड टियर ऑन इट्स टायर, हमें बतानी है मैक्सिमम स्पीड क्या होनी चाहिए ताकि वियर एंड टियर अवॉइड हो, यानी फ्रिक्शन लगे ही ना, यानी फ्रिक्शन हो ही ना वहां पर. फ्रिक्शन तो है बट हमें फ्रिक्शन कंसिडर ही नहीं करना. फ्रिक्शन शुड नॉट बैलेंस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओनली बैंकिंग शुड डू दैट वर्क.
ठीक है। सो ये याद रखना ऑप्टिमम स्पीड वाला क्वेश्चन, तो अवॉइड वियर एंड टियर, तो उस टाइम पे मैक्सिमम स्पीड जो होती है दैट इज अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। बहुत सारे लोग ये वाली फॉर्मूला यूज करते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाई वन माइनस म्यू टैन थीटा। हाँ, दिस इज द स्पीड, बट दिस इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार सो दैट इट कैन नेगोशिएट द को, बट इट इज द ऑप्टिमम स्पीड टू अवॉइड वियर एंड टियर ऑफ द टायर्स, राइट। सो आपका आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ रेडियस इज गिवन एज, रेडियस दिया गया है, हाउ मच इज द रेडियस, इट इज 300 मीटर, सो इट इज 300, जी का वैल्यू 10 मेंशन है क्वेश्चन में, ले लो टेन थीटा, टेन 15 डिग्री 0.27, ठीक है दोस्तों। सो मैक्सिमम वेलोसिटी जो आपकी बनेगी वो बनेगी अंडर रूट ऑफ, तो दो जीरो जिसको मिलेंगे बनेगा 3 इंटू, ये दो जीरो से मल्टीप्लाई होगा 27 इंटू 10, सो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 3 7 21 80 810, ये बन जाएगा 810 यानी 9 अंडर रूट 10 ये बन जाए, बिकॉज 9 9 81, 9 अंडर रूट 10 इसके क्वेश्चन का जवाब। बट अगर क्वेश्चन होता फाइंड मैक्सिमम स्पीड तो ये फॉर्मूला यूज कर लेते आप, बिकॉज यहां पे दोनों चीजें प्रेजेंट है, फ्रिक्शन भी और बैंकिंग भी। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरमीडिएट एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक ब्लॉक को हमने रिलीज किया, हमें बताना है कितने एंगल पे इनके बीच में कॉन्टैक्ट जो है वो नहीं रहेगा। Find angle theta from vertical with it will leave the contact with hemispherical track. Contact lose होगा। तो पहले concept समझिए, पहले मैं इस जगह velocity निकालूंगा। Suppose ये सारा r, ये सारा r, ठीक है दोस्तों, ये सारा r है, ये सारा r है। मान लीजिए ये height है h, तो नीचे वाली distance होगी, ये वाली डिस्टेंस होगी r माइनस h, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस जो मैंने लिखी, दिस इज r माइनस h, ठीक है। तो बट यहां पे अगर हम देखेंगे ये वाली डिस्टेंस ये हमने h रखी हुई है, अगर ये r है, ये वाली डिस्टेंस होगी r का cos कंपोनेंट, सो r माइनस h के बदले मैं लिखूंगा r cos थीटा। So, ये डिस्टेंस जो है, ये वाली डिस्टेंस, इट इज आर कॉस थीटा। चलिए मैं डायरेक्टली यहां पे लिखूंगा, ये नहीं लिखेंगे हम, लिखेंगे डायरेक्टली ये वाली डिस्टेंस जो है इट इज आर कॉस थीटा, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस, तो एच कितना होगा, ये होगा आर माइनस आर कॉस थीटा, यानी एच जो आपका बनेगा दैट इज आर माइनस आर कॉस थीटा, यानी आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा, ये आपका h हो गया यहां से यहां तक की डिस्टेंस। नाउ वी कैन यूज इक्वेशन ऑफ मोशन, ताकि मैं इस जगह पे सपोज वेलोसिटी निकालना चाहेंगे, सो कैन आई राइट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, सो इट इज वी स्क्वायर, वी वेलोसिटी है इस जगह पे, इसकी वेलोसिटी है v, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो बिकॉज इनिशियली ब्लॉक रुका हुआ, इट इज 2 इंटू जी इंटू एच के बदले क्या लिखेंगे, r इंटू 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। तो वी स्क्वायर की ये फॉर्मूला फिलहाल आपके सामने आ गई। अब मुझे बताइए जब ये कॉन्टैक्ट लूज होने वाला होगा, इधर से अगर हम देखेंगे यहां से वेट का कॉस कंपोनेंट होगा, बिकॉज अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, नीचे से mg, इधर से होगा mg cos थीटा, ठीक है। इधर से होगा आपका, बिकॉज जब कॉन्टैक्ट लूज होगा नॉर्मल रिएक्शन तो खत्म ही हो जाएगा, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर। So, अभी mg cos theta will be balancing mv square by r, जब कॉन्टैक्ट लूज होगा तो नॉर्मल जीरो बन जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन नहीं रहेगा, बात तो वही है। तो mv square by r जो आपका बनेगा दैट विल बी इक्वल टू mg cos theta, बस ये v square का वैल्यू हम यहां पुट करेंगे और कुछ नहीं, mm पहले कैंसिल होगा, v square का वैल्यू हम पुट करेंगे दैट इज 2gr इंटू 1 माइनस cos theta डिवाइड बाय r, इट इज इक्वल टू g cos theta, जी जी भी यहां पे कैंसिल होगा, ये कैपिटल आर रेडियस तो एक ही है, आर आर कैंसिल होगा, सो दिस कम्स इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, सो 2 इक्वल टू 3 कॉस थीटा, सो कॉस थीटा आपका बनेगा 2/3, यानी थीटा आएगा कॉस इनवर्स 2/3, सो थीटा आएगा कॉस इनवर्स 2/3, ऑप्शन सेकंड। अब ये डायरेक्टली याद रख सकते हैं इस क्वेश्चन का जवाब, जब हेमिस्फीयर के बाउल के टॉप से ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है, बताओ कितने एंगल पे कॉन्टैक्ट लूज होगा, वो एंगल आपके पास होता है कॉस इनवर्स 2/3।
3 के बराबर। और एक क्वेश्चन भी है असाइनमेंट पे, वहां पे हाइट निकालने, किस हाइट पे ऐसा होगा, ये हाइट आपको निकालनी है। अब अगर आपको थीटा का वैल्यू पता चल गया, आप इजीली हाइट भी निकाल सकते हैं, राइट, बिकॉज कॉस थीटा का वैल्यू आया 2/3, कॉस थीटा के बदले 2/3 लिखो, तो वहां से वो हाइट मिलेगी जिस हाइट पे कॉन्टैक्ट लूज होगा, ये वाला क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। स्टोन ऑफ मास 5 kg टाइड टू स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 10 meters, आपके पास एक रस्सी है, इसके साथ हमने एक ऑब्जेक्ट अटैच किया है, 10 meters इस रस्सी की लेंथ है, और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इसका स्टोन का मास दिया गया है 5 kg, 5 kg, और इसको हम हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहे हैं। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है बताइए मैक्सिमम स्पीड क्या होनी चाहिए ताकि विद विच द स्टोन कैन बी वेल अलाउंड इफ द स्ट्रिंग कैन विदस्टैंड अ मैक्सिमम टेंशन ऑफ 200 newton, रस्सी जो है ये बर्दाश्त कर सकती है 200 newton, उससे ज्यादा नहीं। तो हमने बताया मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, पहले यहां से अगर हम देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है रेडियली आउटवर्ड्स, दैट इज mv2/r, अंदर से लगेगा टेंशन, राइट, तो हमें अब वेलोसिटी निकालनी है, तो टेंशन होगा, रेडियल डायरेक्शन में फोर्सेस बराबर होते हैं, सो टेंशन होगा बराबर mv2/r, सो व्हाट इज द मैक्सिमम टेंशन जो हम बियर कर सकते हैं, दैट मैक्सिमम टेंशन इज 200 newton, So, यहां से आपको मैक्सिमम वेलोसिटी निकल आएगी जिस वेलोसिटी से आप ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमाएंगे। सो मास मेंशन है 5 kg, v² डिवाइड बाय व्हाट इज गिवन रेडियस, रेडियस 10 meters दिया गया है, सो ये बन जाएगा 5 1s are 5 2s are, ये 400 इज इक्वल टू v², सो v आएगा √400, सो वेलोसिटी आएगी 20 meters per second, दिस इज द मैक्सिमम स्पीड विद विच इट कैन बी वर्ल्ड इन द हॉरिजॉन्टल सर्कल। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं, वर्टिकल सर्कल का क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट घूम रहा है वर्टिकल सर्कल में, हमें बताना है लोवेस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, या सॉरी लोवेस्ट और हाईएस्ट पॉइंट पे आपको बताना है नेट फोर्स क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे लोवेस्ट पॉइंट पे, ऊपर से लगेगा टेंशन, नीचे से लगेगा mg, और बहुत सारे लोग समझेंगे सपोज नीचे से सीरो फोर्स भी लगेगा, बट उस टाइम पे अगर वो दिखाएंगे नेट फोर्स फिर तो फिर जीरो बन जाएगा। मान लो मैं ग्राउंड फ्रेम से ही देख रहा हूं, ग्राउंड फ्रेम से इधर में टेंशन लगेगा, इधर से mg लगेगा, सो नेट फोर्स क्या होगा, t-mg, और नेट फोर्स ही प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी t-mg होगा mv2/r, यानी लोएस्ट पॉइंट पे नेट फोर्स कितना है t-mg, बस इतना ही है, और यही होगा mv2/r के बराबर भी, यानी नेट फोर्स या तो आपको mv2/r है या तो को t-mg, सो लोएस्ट पॉइंट पे कितना है नेट फोर्स t-mg, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन भी नीचे mg भी नीचे, तो t+mg, सो नेट फोर्स लोएस्ट पॉइंट पे लगेगा t-mg या mg-t को, एक ही बात है, इसने ऑप्शन में दिया mg, ये माइनस है, सो mg-t mg-t और लोएस्ट पॉइंट पे लगेगा mg+t, और t यहां पे मान लो t1 है, यहां पे टेंशन है t2, सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ द वर्टिकल सर्कल। ए कार इज मूविंग इन ए हॉरिजॉन्टल ट्रैक ऑफ रेडियस 10 meters, एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक है जिसका रेडियस है 10 meters, एक गाड़ी जा रही है इस ट्रैक पे, इसकी स्पीड है 10 meters per second, स्पीड दी गई है 10 meters per second से, राइट, और हमने इसके अंदर एक पेंडुलम रखा हुआ है, क्वेश्चन बता रहा है हमें एक पेंडुलम हमने सस्पेंड किया हुआ है ऐसे, हमें बताना ये एंगल थीटा कितना होगा, ये एंगल थीटा आपको बताना, तो अगर हम देखेंगे ये पेंडुलम था, ये एंगल आपको थीटा निकालना है, तो अगर हम फोर्स देखेंगे नीचे से फोर्स जो होगा इसका, दैट इज mg, इधर से फोर्स होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv2/r, इधर से टेंशन, टेंशन के दो कंपोनेंट्स t cos theta और यहां से t sin theta, सो t sin theta होगा mv2/r के बराबर, t sin theta सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा और t cos theta वेट को बैलेंस करेगा, सो t cos theta इज इक्वल टू mg, सो इनको डिवाइड कर लेते हैं, टी कैंसिल होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज टेन थीटा, mm कैंसिल होगा, v² बाई आर जी, तो v का वैल्यू अगर हम डालेंगे दैट इज 10, यानी 10² डिवाइड बाई रेडियस दिया है 10 meters, और g का वैल्यू 10, यानी ये 1 बन जाएगा, यानी थीटा आएगा 45 degrees, एंड दैट इज सिंपली π/4, यानी आपके सवाल का जवाब आएगा π/4।
राइट, एक गाड़ी थी, गाड़ी के अंदर पेंडुलम लटका के था, गाड़ी चल रही थी रोड पे, पेंडुलम ऐसे इस एंगल पे टिल्ट हो गया, हमें ये एंगल निकालना था। तो ये एंगल के टाइम पे हमने देखा कौन कौन सा फोर्स लगेगा, वेट लगेगा, यहां से टेंशन लगेगा, इधर से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, यहां से वेट, यहां से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यहां से टेंशन, टेंशन को रिजोल्व किया, फिर इक्वेट कर ली इक्वेशन, आपका काम हो गया। देखिए, ए बॉडी ऑफ मास 60 केजी रेस्टिंग ऑन ए लिफ्ट, ये लिफ्ट का केस है। फिर से लिफ्ट के अंदर जब ऑब्जेक्ट रखा जाता होता है तो नॉर्मल रिएक्शन, अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट करेगा नॉर्मल रिएक्शन होता है एम इंटू जी प्लस ए के बराबर, और नॉर्मल रिएक्शन को ही हम अपेरेंट वेट कहते हैं। सो लिफ्ट जब ऊपर एक्सेलरेट हो नॉर्मल रिएक्शन होगा एम इंटू जी प्लस ए, लिफ्ट जब नीचे आएगा नॉर्मल रिएक्शन होगा एम इंटू जी माइनस ए, लिफ्ट अगर रेस्ट में होगा या कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जा रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन होता है एम जी के बराबर। तो देखिए ये वाले क्वेश्चन में क्या होगा, ए बॉडी ऑफ मास 60 केजी इज रेस्टिंग ऑन ए लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अपवर्ड एक्सेलरेशन दिया हमने, अपेरेंट वेट निकालना है यानी नॉर्मल रिएक्शन निकालना, दैट इज एम इंटू जी प्लस ए के बराबर। सो मास बताया गया है 60 केजी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू मान लो 10, प्लस एक्सेलरेशन किस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, 2 से जा रहा है, सो इट इज 60 और ये हुआ 12, यानी ये 720 बन जाएगा, 720 केजी। ठीक है, अपेरेंट वेट जो इसका आएगा दैट इज ये नॉर्मल रिएक्शन आया 720 न्यूटन, अगर केजी में आंसर चाहिए तो डिवाइड बाय 10 यानी 72 केजी, तो ये तो नहीं है, ये गलत ऑप्शन है, 72 केजी इसका अपेरेंट वेट होगा। ए क्वाइन इज प्लेस्ड ऑन ए रोटेटिंग टर्न टेबल, आपके पास एक रोटेटिंग टर्न टेबल है, ये घूम रहा है, हमने किसी डिस्टेंस पे क्वाइन को रखा हुआ है, ये रोटेटिंग टर्न टेबल है, हमने यहां पर क्वाइन को रखा हुआ है, तो जब ये घूमेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लगेगा, ठीक है, एम वी स्क्वायर बाय आर, या अगर ये ओमेगा से घूम रहे हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हम क्या करें, देखिए 9 सेंटीमीटर इसकी डिस्टेंस है, यहां से यहां तक 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस है फ्रॉम द, इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टर्न टेबल इज ट्रिपल, अगर हम ओमेगा ट्रिपल करेंगे, अगर हम ओमेगा क्या करेंगे ट्रिपल, तो इट विल जस्ट स्लिप इफ इट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ, यानी 9 सेंस, अगर हम ओमेगा, क्वेश्चन समझिए, अगर हम ओमेगा से घुमा रहे हैं तो 9 सेंटीमीटर पे स्लिप कर जाता है, अगर आप ओमेगा ट्रिपल करोगे तो किस डिस्टेंस पे स्लिप करेगा, तो पहले मुझे बताओ इसको स्लिप कौन नहीं होने देगा, फ्रिक्शन दैट इज म्यू टाइम इज नॉर्मल, वो होगा बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर, यानी म्यू टाइम इज नॉर्मल होगा बराबर एम जी के, इट इज एम ओमेगा स्क्वायर आर। So, यहां पर एम एम कैंसिल होगा, अगर हम आर निकालेंगे आर आएगा म्यू जी बाई ओमेगा स्क्वायर, यानी आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर, यानी अगर आप ओमेगा ट्रिपल करोगे रेडियस हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हुआ ट्रिपल का स्क्वायर 9 हुआ, तो रेडियस 1/9 हो जाएगा, यानी रेडियस जो ऑलरेडी थी का था उसका 9 हो जाएगा, आर डैश जो आपको आएगा दैट विल बी आर बाई 9। आई रिपीट द क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन बता रहा है कि आप बताइए अगर आप ओमेगा से घुमा रहे हो 9 सेंटीमीटर पे स्लिप हो रहा है, अगर आप ओमेगा ट्रिपल करोगे ये किस डिस्टेंस पे स्लिप करेगा, हमने कंडीशन निकाली आर होता है म्यू जी बाई ओमेगा स्क्वायर, और वो डिस्टेंस से जहां पर स्लिप करेगी, अब अगर आप ओमेगा को ट्रिपल कर दिया तो रेडियस क्या हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 हुआ यानी आर बाई 9, सो इनिशियली कितनी दूरी पे स्लिप कर रहा था 9, सो 9/9, तो आपका आंसर आएगा 1 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमने क्या देखा, हमने यहां पर आज लॉज ऑफ मोशन आज और सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन हमने किए और साथ में सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस हुए। मैं फिर से बताने जा रहा हूं, पहले मैंने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ के कुछ क्वेश्चंस आपको कराए, उसके बाद हमने इंपल्स मोमेंटम थ्योरम पढ़ी, उसके बाद हमने जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के क्वेश्चन किए, फिर स्प्रिंग्स के क्वेश्चन हमने किए, फिर फ्रिक्शन पार्ट पर भी हम आए, उसके बाद लास्ट में हमने सर्क्यूलर मोशन पढ़ा। सो उम्मीद है कि आपने अच्छे से ये चीजें समझी होंगी, एंड आई होप कि इनमें से कुछ नीट एग्जाम में आए, जो असाइनमेंट आपको मिलेगा उसको थोड़ा सीरियसली देखेगा, बिकॉज जो ये क्वेश्चन है ये बड़े टाइम निकाल के निकाले गए हैं आप लोगों के लिए, तो इनको एक बार सीरियसली देख लें, ये बड़े इंपॉर्टेंट नीट एग्जाम्स के लिए। सो उम्मीद है कि आप असाइनमेंट भी सारा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।